हण चिकित्सा, ब्रिंग हण का अर्थ होता है जिसको मैंने कहा था नरसिंह जो थेरापी है उसके अंदर वात अथवा वात के दोषों के प्रकोप से जो पीड़ित आदमी है, जो कमज़ोर है, जो थोड़ा बुजुर्ग है, जो बहुत ज़्यादा काम कर कर बहुत लंबी यात्रा से थका हुआ हो, जो मद्य आदि सेवन करते रहते हैं, इसको ब्रिंगण चिकित्सा कही गई। यानी कि ब्रिंगण जो ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा जो कहते हैं कि ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है और उस समय पर थोड़ा पौष्टिक तत्वों को सेवन करा करके शोधन किया जाता है। ब्रिंगण के अंदर जैसे घी पिला देते हैं हम, दूध पिला देते हैं, मक्खन और शहद आदि खिला करके और प्रयास करते हैं कि उनका जो है स्नान भी हो, सेवन भी हो, उबटन भी हो, निस्निग्ध पदार्थों के द्वारा उसको अंदर बाहर से पूरी तरह से थोड़ा सा जिसको ब्रिंगण का अर्थ होता है उसको थोड़ा बलवान और मजबूत बनाने के लिए प्रयास करते हैं, जिससे कि अच्छी नींद आए और बड़ी मधुर और स्निग्ध औषधियों से फिर हम उसको एनिमा दे देते हैं और अलग अलग तरह से उसका पूरा शोधन करते हैं। ब्रिंगण के अंदर में इस तरह से शोधन किया जाता है जिससे शरीर की कमजोरी, जैसे जो कमज़ोर होता है उसको हम जड़ी बूटी से एनिमा वगैरह देते हैं, तो जो थोड़ा सा मतलब जो बलवान होता है उसको जड़ी बूटियों से एनिमा देते हैं, तो जो बहुत कमज़ोर होता है तो उसको एनिमा में भी विविध तरह की औषधियाँ, तेल, घृत आदि के द्वारा भी एनिमा दिया जाता है। यानी कि उसका शोधन भी करना है, परंतु शोधन में ब्रिंगण का अर्थ होता है कि कमजोरी ना आए, उसके बल बना रहे, बल की वृद्धि हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। इसको ब्रिंगण चिकित्सा कही जाती है। यानी इस चिकित्सा के लिए हम जो भारी हैं, शीतल हैं, कोमल हैं, मंद है, चिपचिप है, इस तरह के गाढ़े घने पदार्थों को जो है उपयुक्त माना गया है, उसका ध्यान में रख करके हम इस ब्रिंगण चिकित्सा की व्यवस्था करते हैं। ब्रिंगण की जो है चिकित्सा की जाती है, उसके द्वारा विविध तरह के रोगों का शमन होता है।